हेलो गाइस, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज घाव का तोड़ कर आते हैं, तो आज घर पे कोई भी नहीं है, तो घर सुर के जा रहा हो, गेट वगैरह बंद करके देखा तो आज पूरा गांव का दिखाएंगे नज़ारा, हम लोग का गांव कैसा है। अरे ये ठीक है, तो पहले ही गोबर मिल गया, तो हमारे गाँव गोबर से स्टार्ट होता है, तो इधर से ऐसे जाने का। तो ये वाला दुकान है, तो इसमें ही मैं बाकी बुका खाता है, तो इस तरफ में जाता है बाकी बुका लेके, तो इस तरफ जाके वो उस पेड़ के पास बैठता है। मैं तो इधर देखिए, पेड़ के नीचे देखो, बहुत गर्मी का मौसम है ना, इसलिए पेड़ के नीचे है, तो मैं भी यहीं पर आता हूँ और यहीं पे गर्मियों के मौसम में बैठता रहता हूँ। तो ये मेरा दोस्त का घर, अभी गिर जाता रे। तो इधर ही गाइस, मैं जब बोर होता हूँ ना घर पे बैठ बैठ के, तो इस पेड़ के नीचे ही मैं बैठ के तो दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, रिकॉर्ड डेमो। डेमो ये रहा चार चार तो रहता ही है, हमेशा इधर रहता है मेरे लिए रखा हो रखता है इस मतलब। तो इस तरफ ऐसे बैठेगा, उसके बाद ऐसे करेगा, मैं तो उसकी तरफ ऐसे करेगा, तो ऐसे करेगा, और उसके बाद ऐसे मोबाइल टिपता रहेगा। बहुत शानदार है, लेकिन अभी बहुत धूप निकल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में इधर पेड़ के नीचे जितना मज़ा है ना, उतना मज़ा फैन में नहीं है रे बाबा। तो क्या कैसे रख देते हैं, तो इसमें बैठे का कोई मतलब नहीं है। तो आज गाँव का टूर कराएंगे, अभी जाना है उस तरफ, नहीं इस तरफ। हाँ तो गाइस, हमारे आसमान के ऊपर से मतलब गांव के ऊपर से हमेशा प्लेन जाता है। हाँ प्लेन जाता है, तो प्लेन दिखाई नहीं देते, बहुत स्पीड से जाते हैं, हमारे गांव के ऊपर से ही जाता है, किसी के गांव के पास नहीं, पास नहीं जाता, हमारे गांव के पास से ही जाता है। तो गाइस, गर्मी का एक खासियत है हमारे गाँव पे, जो टी शर्ट खोल के ऐसे गर्मियों में रहना पड़ता है, बहुत गर्मी होता है, लेकिन टाउन के जैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है गर्मी, फिर भी देखिए ऐसे जाना पड़ता है हमें। गाइस हमारा ए भाग गया, तो हमारे गांव का प्यारा प्यारा क्या बोलते इसको, गोरू है। तो गाइस ये हमारा गांव का मंदिर है, तो हर साल हम यहां पर नमो नमो करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत धूप है, तो ये शाम का 4 बजा है, तो ये देख सकते हैं तो आप लोग, तो ये है हमारा गांव का मंदिर, तो अभी बना रहा है, थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा है। तो चलिए और एक मंदिर दिखाते हैं, जहाँ पे हम बाही बजाते हैं, मेरा मतलब फ्लूट बजाता है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ, तो उस तरफ। तो गाइस हरियाली ही हरियाली, इधर तो बहुत जंगल है, तो इस जंगल का वाह कितना बड़ा जंगल है इस तरफ, तो भीतर मेरा मतलब अंदर बहुत फल मूल है, जैक फ्रूट, आम वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ तो गाइस, तो ये हमारा गांव का वो रास्ता है, तो यहाँ पर रास्ता में हम शाम को आते हैं, साइकिल लेके ऐसे ही घूम के जाते हैं। तो सोचा है गाइस, मैं तो गांव छोड़ने वाला हूँ, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे के, तो मेरा मतलब रिजल्ट भी दे चुका है, तो इस गांव को हमें हमेशा के लिए, मुझे मेरा मतलब हमेशा नहीं, तीन साल के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा जाने से पहले ये गांव दिखा लेता हूँ, सोचा है मैंने, तो और जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहे मेरे इस वीडियो में, तो देखते रहिए आगे। तो गाइस ये हमारे गाँव का ट्यूशन सेंटर है, तो इस तरफ बच्चे आते हैं, आज क्यों नहीं है पता नहीं, तो इस तरफ भी आते हैं बच्चे, शाम को आते हैं, लेकिन टाइम नहीं हुआ शायद, इसलिए नहीं आए आज। तो ये ट्यूशन सेंटर है, तो देख सकते हैं, तो एक ही टीचर मतलब टीचिंग कराता है, मतलब पढ़ाता है। तो ये देखिए, तो खेत है, कितना नज़ारा, बहुत ही सुंदर बुंदर है। तो इस तरफ ये नाले का है, तो उस तरफ से इस तरफ जाता है। उरी बाबा बहुत धूप है रे बाबा। तो गाइस यही है हमारा वो दूसरा वाला मंदिर, जहाँ पे हम हर साल फ्लूट बजाते हैं, तो ये दौड़ी नृत्य होता है, तो ये गेस्ट हाउस है, तो इधर ही सिंगर वगैरह आता है, तो सिंगर वगैरह को इधर ही रखते हैं, तो खाना पिला के रहता है, तो रखता है, तो
देखो स्कूटी वाला आके पीप पीप बजा के गया, मंदिर है ना तो बजा ही गई ना, तो इधर से भी दिखाता है। ए स्कूटी वाला देखो चला गया, दिखा ही नहीं। तो ये है, और यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलता था, तो वॉलीबॉल का सिंबल है मेरा, मतलब पोस्ट है, तो वो रहा वो पेड़, उस पेड़ को ही हम नमो नमो करते हैं हर साल। तो गाइस अभी जा रहे हैं शॉप की तरफ, तो शॉप की तरफ अभी शाम के आई थिंक 4:30 बज चुके हैं, तो अभी शॉप में भीड़ जमाएंगे तो हमारा शॉप भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस तरफ जाने का, इस तरफ। तो गाइस ये हमारे गांव का दुकान था, तो पैसे के कारण ये ठप हो गया है, तो शॉप पहुँचने वाला है, तो नोहक नोहक बोलने का मना किया है दोस्त ने, तो नोक नोक नहीं बोलेंगे हम। धूप है, बहुत धूप है, तो इस तरफ शायद एक हफ्ता हो गया, तो पानी ही पानी हो गया था इधर। तो ये देख सकते हैं, ये गड्ढा है, इसके अंदर वो पैर घुसेगा तो भीतर चला जाएगा। तो गाइस ये हमारे गांव का जो एक लौता लाइनमैन है, तो उनका ये पोखर है, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा मछली है। और ये देखो मालिक आ गया, आओ क्या है, मछली दिखा रहा है, ए तेरा बड़ा बड़ा मछली दिखा रहा है। तो गाइस ये हम पहुंच गए हमारे चौक पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी दुकान खुला नहीं है, तो धीरे धीरे खोल जाएंगे। तो शौक देखिए इस तरफ चारियाली कहते हैं इसको, लेसरा मार्केट, तो ये होलसेलर है। तो इधर मार्केट अभी बैठा ही नहीं है, आएंगे धीरे धीरे। वाओ वाह ते सिंगरा बॉय, ये देखो लड़कियां देख रहे हैं क्या? होली मोली दुकानी देखो पुश पुश कर रहा है, ए चोरी हो जाएगा उतरे, ये तेरी की चोरी करके पता नहीं चलेगा इसको। तो ये लेसरा मार्केट है, तो यार पर तो इधर भी जाता है गाँव, बहुत लंबा है, आज दिखा नहीं पाऊंगा, तो बाद में दिखाएंगे। तो गाइस ये मैंने चोरी कर लिया है, तो उस घर से, तो गांव का है, कौन क्या करेगा मेरे, हाँ बता। तो ये चोरी करके ले आए, जो दाए कर ले, मैं ये खा के रहूँगा। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए पठार पे, तो इधर ही स्टार्ट होता है हमारा पठार, मेरा मतलब खेत। तो पानी पानी है, थोड़ा सा सूखा है पानी, तो आगे जाके और देखेगा, और एक ब्रिज है, ब्रिज को पार करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब कुछ लेके आ रहा है, तो बहुत भारी भारी है, ओ मछली पकड़ के आया है। तो मछली कितना मिला देखते हैं, मछली नहीं है, इम्ती है। गाइस ब्रिज पे आ गए, तो पानी ही पानी है। तो ये ब्रिज मेरा मतलब छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ब्रिज है, तो दूर दूर तक देख सकते हैं आप लोग, पानी ही पानी है। तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं हमारा गांव पूरा का पूरा कितना सुंदर है, तो आप लोग देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाओ वाओ वाओ। तो वहाँ पर देख सकते हैं, तो पानी ही पानी है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। उस तरफ भूटान का पहाड़ है, वो तावार के वो जो नीचे से काला काला दिख रहा है, वो पहाड़ है भूटान का। तो भूटान हमारे से मतलब हमारे इधर से बहुत पास है, तो कभी भूटान पे भी जाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए, तो अभी के लिए गाँव में ही बनाते हैं। तो गाँव टोर गाय है, तो बहुत यहाँ पे देखो नंबर प्लेट भी है इसका, तो हमारा गाय यहाँ पे चारा खाता है हमेशा, सुबह आके यहाँ पर टक टक करके जाता है, तो शाम को ले जाना पड़ेगा, मेरे को ही ले जाना पड़ेगा शायद, हाँ अरे गाधो जल्दी आ। तो गाय ये टावर नीचे आ गया है मैं, और इधर पानी ओए वो देखो बीच में मछली पकड़ता है, जूम नहीं करेगा इसमें।
गाइस आया हूँ तो इसको भी दिखा के जाता हूँ। तो ये गांव के राइस का पोखर है, तो यहाँ पर बहुत हर साल मछली पकड़ के गांव के आदमी को भगा दिया जाता है। तो यही है हमारा गांव का पोखर। तो चलिए आगे और चल के देखते हैं, दूसरा भी पोखर है लेकिन वो दूसरे का है, प्राइवेट है। तो टेरी तो गाइस बहुत ही सुंदर है, तो गांव को सोच के जाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, पढ़ाई का सवाल है। तो ओ बैकग्राउंड इस तरफ से ऐसे देखो, बैकग्राउंड बहुत मेरा बैकग्राउंड पीछे बहुत बढ़िया। तो ये उस दिन का जो ये आदमी देखो, तो यहाँ से नज़ारा देखो, वाह इतना सुंदर है, वाह 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 वाह। ये ब्रिज बहुत अच्छा लगता है मेरे को। उस तरफ क्या है? ओए होए 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 होए, जूम करना पड़ेगा। ए देखो क्या कर रहा है ये मछली। तो पानी ही पानी हो गया पूरा। ये बंदूक लेके आया पीछे देखो, सैमसंग जेतु है। तो ये बाघ क्या कर रहा है देखो, पानी के बीच में देखो मछली मार रहा है। तो हो पानी ही पानी है, मछली पकड़ने वाला कैमरे की तरफ नजर किया मत करो, मछली की तरफ गौर करो। पूरा पानी देख सकते हैं गाइस आप लोग, पानी सूखा था लेकिन फिर से हो गया अचानक। तो उस तरफ भी हमारा ही गांव है, बहुत दूर तक है, हमारा गांव बहुत बड़ा है रे, आज दिखा नहीं पाऊंगा। तो गाइस इतना ही दिखा सकता हूँ, तो आप लोग इससे ही एंजॉय कीजिए। और ये देखो इस तरफ मछली आ गया। ना रे ना बाबा, मछली नहीं आया। तो गाइस शाम के वक्त में यहाँ पर ही सब आते हैं। देखो ए ब्लैक क्यों हो गया, तो गाइस फिर से तो ये देख सकते हैं इतने सारे लोग हमेशा आते हैं इधर शाम को घूमने के लिए। तो बहुत सुंदर जगह है रे, वाह भूटान भी पास में है क्या यार, तुम लोग भी इधर आने के वजह कहाँ कहाँ जाते हो। उस तरफ देखो ना, उस तरफ भूटान का पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस हो गया आज का विलेज टूर, तो होम टूर कभी कभार कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमें मेरा कमीना दोस्त आ रहा है, ये वाला पब्जी में बहुत धोखा देता है मेरे को, ग्रेन से मार देता है हमेशा, तो उसको सॉरी है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो पहली बार ही देख रहे हो आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मैं हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बाय बाय, ओके।